इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड में आपका स्वागत है और सबसे बड़ी बात राजस्थान की हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। यहाँ पर क्या तस्वीर है, बिल्कुल कोई तस्वीर नहीं बदली है। 2014 के चुनावों की बात करें तो देख लीजिए 14 में तस्वीर क्या थी, बीजेपी प्लस यानी कि 56, यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। 56% वोटों के साथ बीजेपी ने 25 की 25 सीटें अपने खाते में की थी। इस बार कहा जा रहा था कि राज्य में सरकार बदली है तो शायद कहीं ना कहीं फायदा होगा कांग्रेस को, लेकिन बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ है बावजूद इसके, जबकि अशोक गहलोत ने पूरा सियासी हमला अपने बेटे के लिए लगा रखा था और वो जोधपुर का इलाका था जहां पर पूरी तरह से वैभव गहलोत के लिए पूरी तरह से अशोक गहलोत ने पूरा सियासी हमला यहां पर लगाया हुआ था बावजूद इसके। गजेंद्र शेखावत यहां से लीड कर रहे हैं 7,80,390 वोटों के साथ। और देखिए वैभव गहलोत के लिए बुरी खबर अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि वो यहां पर दूसरे नंबर पर है हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और इलाके जो कि जिस पर नजर डालेंगे, दौसा देख लीजिए, जसकौर मीना यहाँ से आगे चल रही हैं और सविता मीना यहाँ से पीछे हैं। एक एक करके तमाम इलाकों का जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। अजमेर जहाँ पर रैलियाँ भी हुई थी भागीरथ चौधरी बीजेपी के, जो कि 2,62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अलवर की बात कर लेते हैं, अलवर में 2,31,000 वोटों के साथ बालकनाथ आगे चल रहे हैं। जितेंद्र सिंह यहां से पीछे चल रहे हैं। सीकर की बात करेंगे तो सीकर की तस्वीर ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि सुमेधानंद सरस्वती यहां से जीत रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यहां पर पीछे है, कांग्रेस हर जगह पर पीछे है, दूसरे नंबर पर है। जयपुर की बात कर लेते हैं और जयपुर में रामचरण बोरा यहां से जीत रहे हैं 2,60,000 वोटों के साथ, और जो ज्योति खंडेलवाल उनको 1,49,885 वोट यहां पर मिलते हुए दिख रहा है। झुंझुनू का इलाका उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। नरेंद्र कुमार जो कि 1,97,472 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, 1,28,684 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं श्रवण कुमार। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गंगानगर इलाके की तस्वीर देखते हैं। पंजाब से सटा हुआ थोड़ा सा इलाका है। निहाल चंद यहाँ से आगे चल रहे 3,89,360 वोटों के साथ और 2,06,625 वोटों के साथ भगत राम मेघवाल यहाँ से पीछे चल रहे हैं। जयपुर रूरल के इलाके पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि खबर ही आ रही थी कि कृष्णा पुनिया काफ़ी हद तक टक्कर दे सकती हैं। दोनों ओलंपियंस हैं पदक, लेकिन इस बार जनता को इनको देना था तो पदक वापस से राज्यवर्धन सिंह राठौर के खाते में जा रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है देखिए वो बहुत ज़्यादा है। 2,68,325 वोटों के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे, यानी कि दोबारा संसद की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं और मार्जिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वहीं 1,42,055 वोटों के साथ कृष्णा पुनिया यहाँ से दूसरे नंबर पर है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसका और जिक्र करेंगे। नागौर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। हनुमान बेनीवाल यहां से आगे चल रहे हैं 2,03,359 वोटों के साथ। ज्योति मिर्दा कांग्रेस की वो पीछे चल रही हैं। इसी तरीके से बीकानेर इलाके की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से 2,80,125 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। मदन गोपाल मेघवाल यहाँ से पीछे हैं, 1,59,314 वोट ही उनको मिले। चुरू इलाके की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चुरू में भी राहुल कासवान यहाँ से आगे चल रहा है और मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ का आ जाता है। कांग्रेस के रफीक मंडेलिया यहाँ से 4,57,117 वोटों के साथ काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बांसवाड़ा इलाके की बात कर ले तो यहाँ से कनकमल कटारा जो है वो 5,56,442 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये कोई ऐसी तस्वीर, एक आखिर में उदयपुर की तस्वीर भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि अर्जुन लाल मीणा यहाँ से आगे चल रहे हैं, रघुवर इस मीणा यहाँ से पीछे है 2,42,303 वोटों के साथ वो आगे चल रहे हैं। तो ये झालावाड़ इलाके की तस्वीर भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। झालावाड़ में क्या तस्वीर फिलहाल बनती नजर आ रही है। दुष्यंत सिंह यहां से आगे चल रहे हैं बीजेपी के, दुष्यंत सिंह 3,85,893 वोटों के साथ और प्रमोद शर्मा यहां से पीछे हैं 2,01,141 वोटों के साथ। तो ये इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड से हमें लेटेस्ट डेटा जो है वो मिल रहा है 2019 के लोकसभा चुनावों का, राजस्थान का।